कुशीनगर में असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करते हुए उन्होंने प्रतिमा को तोड़ दिया है। और हम आपको बता दें कि तरया सुजान थाने के तमकुही राज कस्बे में पंडाल में स्थापित प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा तोड़ दिया, जिससे वहां पर काफी बवाल मच गया है। प्रतिमा तोड़े जाने की खबर जंगल में आग लगने के जैसे पूरे क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में लोग तमकुही राज कस्बे में इकट्ठा हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में बवाल मचा हुआ है और लोगों ने तमकुही राज सेवरही मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो घटना सुनते ही पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे और वहां बवाल इतना बढ़ गया है कि आनन फानन में कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, लेकिन फिर भी लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस बैकफुट पर ही बनी रही। हम आपको बता दें कि विरोध कर रहे लोग प्रतिमा विखंडित करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे तमकुही राज के SDM ने लोगों को समझा बुझाकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तमकुही राज कस्बे में डोल मेले के बाद गणेश चतुर्थी पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन जब सुबह लोग पूजा करने गए तो हनुमान जी की प्रतिमा वहां पर खंडित मिली, जिसे देख लोगों में गुस्सा भड़क गया और लोगों ने वहां बवाल पैदा कर दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेताया है कि एक सप्ताह में अगर प्रतिमा खंडित करने वाले सलाखों के पीछे नहीं हुए तो प्रशासन को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। सभी लोग धरने पर बैठे थे, चक्का जाम किए थे। 24 घंटा का समय प्रशासन के द्वारा दिया गया है। निश्चित रूप से एक सैद्धांतिक रूप से 24 घंटा हम लोग देने का काम किया है। अगर 24 घंटे के अंदर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है, निश्चित रूप से पूर्वांचल का या तमकुही राज या जानेगा या प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो 24 घंटे के बाद यहाँ तमकुही राज में आंदोलन होगा और उन शरारती तत्वों को जेल में डाला जाएगा। इस मामले को तह तक जाकर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि निष्पक्ष से समाज शांतिपूर्वक रह सके। ये हिंदू धर्म आस्था केंद्र की बात है। हनुमान जी किसी दल के नहीं थे, वो हिंदू धर्म आस्था के केंद्र है, हम लोगों के भगवान है। अगर उनके ऊपर कोई अत्याचारी दुराचारी कदम उठाया है तो समस्त हिंदू समाज और समस्त समाज के ऊपर उठाने का काम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके NSA के पक्ष में NSA लगाकर उसको जेल भिजवाने का काम किया जाए, तभी जाकर यहाँ हिंदू समाज को। अभी हम दृष्टिया ये मालूम हुआ है कि यहाँ खड़ा नंबर 1 की जो है ढोल रखा हुआ था, उसमें प्रतिमाएं थी बने हुए, उसको रात में 2 बजे के बाद किसी शरारती तत्व के द्वारा उसको भी खंडित कर दिया गया है। और सुबह जब सूचना मिली है उसी को लेकर यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं या तमकुही के जो निवासी लोग हैं उनमें आक्रोश था और उन लोगों ने आक्रोश अपना व्यक्त किया। मैं मौके पर पहुँच करके उनको सख्ता बजा दिया गया है और ये आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके जाँच करके उनके खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। ये घटना निंदनीय है। इस प्रकार से कुछ अराजक तत्वों के द्वारा समाज में आपसी भाईचारा जो बना हुआ उसको तोड़ने का प्रयास किया है। ये तमकुही राज का जो मुख्य अखाड़ा है अखाड़ा नंबर 1 जो कि संकटमोचन हनुमान मंदिर से उठता है, उसकी मूर्ति स्थापित हुई थी पंचायत भवन के पास और ये हर साल का परंपरा है, मूर्ति हम लोग यहीं बैठाते हैं। सुबह हम लोग को मालूम हुआ 12 बजे तक तो मूर्ति सुरक्षित थी, उस मूर्ति को तोड़ करके नाली में डाल दिया गया। छोटी मोटी घटनाएं पूर्व में कई यहाँ घटा, लेकिन हम लोग उपेक्षित किए जाके हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, यहाँ का माहौल खराब ना हो, लेकिन यह मामला बर्दाश्त के बाहर था। इस वजह से हमने सड़क जाम किया और प्रशासन इसको संज्ञान में लिया, हमने प्रशासन को 24 घंटे का मौका दिया अपने तरफ से। तमकुही SDM यशो तरे आए थे, हमारे पूर्व प्रधान प्रदीप सोनी जी, हमारी पूरी हिंदू वाहिनी की टीम, या हिंदू वाहिनी या किसी का मामला है ही नहीं, कोई राजनीतिक मामला नहीं था, ये हमारे आत्मसम्मान की हिंदू लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए हमने पूरे बाजार को यहाँ बैठाया था और प्रशासन इसका संज्ञान लिया है। 24 घंटे का हम लोग प्रशासन को मौका दिए हैं,
24 घंटे मामला नहीं अगर तय होता है तो बहुत इतने बड़े स्तर पर आंदोलन होगा कि पूरा प्रदेश हिल जाएगा, प्रदेश तक मौका दिया। जो भी चिन्हित अपराधी हैं पुलिस अपने सूत्रों के द्वारा पता कराए, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजे ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, तमकुही का माहौल भाईचारा बना रहे। तमकुही राज का इतिहास है, जब भी यहाँ कथा हुआ हम लोग बाजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं, जब भी हनुमान जी का डोल निकला जयंती होगा हम लोग जाके बाजार पे चादर चढ़ाते हैं। एसपीएन 9 न्यूज के लिए कुशीनगर से गुड्डू निषाद की रिपोर्ट।